चलिए इसी के साथ रुक करते एक और अब बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें दिल्ली से बड़ी खबर, हेल्थ वर्कर्स को पहुंचाया नुकसान अगर तो एफआईआर यहां पे की जाएगी। हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर केंद्र की राज्यों को हिदायत, नुकसान पहुंचाने वालों पर लगाया जाएगा एपिडेमिक एक्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार हेल्थ वर्कर्स के ऊपर मारपीट के जो खबरें हैं वो सामने आ रही थी, उसको मद्देनजर रखते हुए अब केंद्र सरकार ने राज्यों को हिदायत दी है हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर। हेल्थ वर्कर्स को अगर कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा तो एफआईआर की जाएगी, नुकसान पहुंचाने वालों पर एपिडेमिक एक्ट यहां पे लगाया जाएगा। तो केंद्र सरकार की हिदायत राज्यों से कहा, हेल्थ केयर वर्कर्स को नुकसान पहुंचाने वालों पर एफआईआर करें, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर भी यहां पे नजर रखी जाएगी। चलिए इसी पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, जिस तरीके से लगातार हेल्थ वर्कर्स की अगर हम बात करें तो उनके ऊपर लगातार मारपीट के और हमलों की खबरें सामने आ रही थी, उसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने यहां पर हिदायत दी है राज्य सरकारों को कि अब अगर उनके ऊपर कोई भी अत्याचार का कोई भी जुल्म होता है तो उसके ऊपर एफआईआर की जाएगी और एपिडेमिक एक्ट यहां पे उनके ऊपर लगाया जाएगा। बिल्कुल इरम, जिस तरीके से कोरोना की पहली और दूसरी लहर में डॉक्टरों के साथ हिंसा के मामले आए थे उसको लेकर केंद्र सरकार बेहद ही गंभीर है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस मामले को लेकर चिट्ठी लिखी है जिसमें डॉक्टर समेत मेडिकल स्टाफ को सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही गई है। केंद्र ने साफ तौर पर राज्यों को कहा है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराएं, उनके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट 2020 के तहत कार्रवाई करें। ये चिट्ठी केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र सरकार प्रदेशों को जारी की है। गृह सचिव ने इसमें लिखा है कि ऐसी घटनाओं से हेल्थ वर्कर्स का मनोबल गिर सकता है, उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, इसलिए उनकी सुरक्षा कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इरम, बिल्कुल। चलिए कृष्ण द्विवेदी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को यह आदेश दिए हैं कि अब उन जो डॉक्टर्स पर हेल्थ वर्कर्स पर इस तरीके के अत्याचार और जुल्म करते हैं तो उन पर एपिडेमिक एक्ट यहां पर लगाया जाएगा। एपिडेमिक एक्ट में दोषी को जमानत नहीं दी जाती है, यह महामारी अधिनियम के तहत यदि किसी व्यक्ति को मेडिकल स्टाफ में हिंसा करने का दोषी पाया जाता है तो।